ये हम जुलूस में ये बात कह देते हैं, जोश में नहीं, हमारा घर जा रहा है। अरे मेरे भाई, हम एकदम रोड पे आ जा रहे हैं, हमारी दुकानें जा रही है, जोश की बात है। एक रोड के ठेला गाड़ी को कारपोरेशन सोचे, वो हमारा मैटर नहीं हो। कितने लोग आएंगे रोज हटाने के लिए? कितने लोग आएंगे? नहीं, हम प्यार से समझा के कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। आप कारपोरेशन की बात कर रहे हो, 22 साल से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, नहीं हो रहा है। एक ही जवाब आ रहा है, कभी हम जाते हैं आपके बोलने में हमने 6 गाड़ी तोड़ दी, 8 गाड़ी, वो MLA साहब आए हैं, ये दबाव फोन रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। जब से डीपी प्लान आया भिवंडी शहर में, तब से लेकर पूरी भिवंडी शहर में हाहाकार मचा हुआ है। हर कोई उसका विरोध करता हुआ नज़र आ रहा है। कोई कह रहा है हमारा एरिया, कोई कह रहा है हमारा एरिया, कोई कह रहा है हमारा एरिया। हर एरिया में देखा जाए तो चाहे फिर वो थाना रोड ले लो या दूसरा एरिया, या तो फिर स्पेशली अगर हम बात करें तो ज़कात नाके से लेकर शांति नगर वाला जो रोड है, इसको लेकर ख़ासतौर पर ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है। और कई सारी मीटिंग्स भी यहाँ पर हो चुकी हैं। इस्माइल मिर्ची साहब जो जिन्होंने पिछली बार कुछ दिन पहले इसके लिए मीटिंग ली थी और वहाँ पर उनकी ऑफिस में कुछ लोग जमा हुए थे कि ये जो डीपी प्लान यहाँ पर आ रहा है और जो 10-10 फीट का जो रोड और तोड़कर चौड़ा किया जाएगा, तो आखिर इसका हल जो है वो कैसे निकाला जाए। तो कंक्लूजन वो ये निकला कि कहीं ना कहीं जो भाजी वाले हैं, जो रास्ते पर जो ठेला गाड़ी लगाते हैं, जो बाइक पार्क होती है या और भी जो चीज़ें होती है, तो कहीं ना कहीं हल ये निकला कि उनको वहाँ से हटाया जाए। इसी सारी चीज़ों को लेकर आज यहाँ पर मीटिंग रखी गई। महाराष्ट्र दक्षिण मुस्लिम सेवा संघ के प्रेसिडेंट इमरान शेख साहब भी मौजूद थे, प्रशांत लाड साहब भी मौजूद थे, एक्स नगर सेवक आरिफ खान भी मौजूद थे और इस्माइल मिर्ची साहब और उनके साथ और भी दीगर कई सारे लोग स्टेज पर मौजूद थे। ये है विजय भाई, 20 साल पहले भिवंडी का डीपी गिरा है, 20 साल पहले का डीपी, यही टाउन प्लानिंग उन्होंने 20 साल पहले जब किया, उसके बाद में इंप्लीमेंट कितना टक्का हुआ उधर, हमने उस दिन बोला ना कि अरे मैंने कि महासभा नहीं हुई थी वो, ये डीपी के तौर पर कपिल पाटिल साहब अपने मंत्री है, दो आमदार है, रईस भाई है, महेश चौगले है और बाकी हम लोग नगर सेवक लोग प्रतिनिधि और जो जिम्मेदार लोग थे उनको बुलाया गया था। बोला उनको, पूछा हमने, और वह पार्टी लेवल की बात नहीं है, भिवंडी बचाने की बात है, भिवंडी आप बिल्कुल डेवलप करो, लेकिन किसी का घर, किसी का व्यापार उजाड़ कर किसी तौर पर ये डेवलप होना नहीं चाहिए। कि मेरा भी कल्याण रोड से रोड, ये अपना खान कंपाउंड से होके यहाँ शांतिनगर रोड है, आज वहाँ पर पहला रोड है 9 मीटर और उन्होंने नया डीपी में डाला है 12 मीटर। मतलब हाईवे बड़ा होना चाहिए कि गली बड़ा होना चाहिए, हमने ये बता दिया आपको, हाईवे छोटा चाहिए और हमारे गरीबों का जो मोहल्ला है वो गली उनको हाईवे बढ़ाना है। ये हाईवे कैसा बनेगा जब आपका प्लानिंग ही गलत है? आपने सोच समझ कर प्लान किया होता, लोगों के सामने जाकर प्लान किया होता, पूछताछ करके प्लान किया होता, तो आपका ये रोड, ये भिवंडी थाना कल्याण बम्बई जैसा बनने को टाइम नहीं जाएगा। लेकिन आप लोग जगह पर बैठ के AC का हवा खा के जो प्लान बना रहे वो गलत है। देखिए, हॉकर्स जोन होना चाहिए, हमारे जो हाथ गाड़ी वाले हैं उनको हॉकर्स जोन में शिफ्ट करना चाहिए, ये सारी जिम्मेदारी जो है नगर पालिका की है, लेकिन हमारी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। अभी ये बीमारी हुई थी तो हम लोगों ने उनको, जो हॉकर्स थे हमारे दुकान के सामने, आज हॉकर्स को हमने खड़ा कर दिया, किसी ने पैसा लेके खड़ा किया है, किसी ने मोहब्बत में खड़ा किया है, किसी ने किसी कारण से खड़ा किया है, लेकिन आज वो एक बहुत बड़ा मसला बन गया है कि उस हॉकर्स लोगों को या उस ट्रैफिक को बताकर कमिश्नर साहब चाहते हैं कि वो आपकी रोड को बढ़ाएं और उस रोड को बढ़ाने के लिए आपके घर, आपकी दुकानों को तोड़ा जाए। ये कमिश्नर साहब ये क्यों कर रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमें चाहिए कि हम कम से कम जो ट्रैफिक का मसला है उसको हल करने की कोशिश करें। तो अपनी दुकानों के सामने जो हॉकर्स लग रहे हैं, जो हाथगाड़ियां लग रही है, आप लोग ने चाहिए कि उन लोगों को रिक्वेस्ट करें कि भाई जब तक तूने लगा लिया गाड़ी, अब इसके बाद में आप कोशिश करिए कहीं और लगाइए, क्योंकि अब बारी हमारी दुकानों तक, हमारे घरों तक आ गई है ना, आप दुकान और घर जाने की बारी है, तो आप तो गाड़ी लेके कहीं और भी जाके लगा सकते हो गाड़ी, या कुछ कर सकते हो, या पर्याय व्यवस्था के लिए लड़ाई लड़ सकते हो नगर पालिका के अंदर। लेकिन आज दुकानें और घर चली जाएगी तो घर बनाना, दुकान बनाना तो कोई आसान काम नहीं है आज की तारीख में, आप सब लोग जानते हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ेगी, वो कोर्ट में हो, चाहे नगर पालिका में हो या रस्ते पे हो, हम आपके साथ शाना बशाना खड़े रहेंगे। ये कहकर मेरी दो बात खत्म करता हूँ। छोटे छोटे रस्ते थे, फिर बड़े हो गए और बड़े कर रहे। ये रस्ते जो बड़े करते हैं वो क्यों होते? क्योंकि आबादी बढ़ती है, गाड़ियां बढ़ती है, और उसके वजह से रास्ते जब छोटे होते हैं तो रास्ते बड़े करने का प्लान आता है। अभी जो जकात नाके से शांति नगर का रोड है वो पूरी तरह से यूज में नहीं है,
और इसके लिए वहां पे ट्रैफिक हो रहा है और ट्रैफिक दिख रही है, इसके लिए डीपी प्लान के अंदर रास्ता बड़ा होना चाहिए, ऐसा प्रस्ताव आया है। तो हमने, मेरा एक प्रस्ताव है, हमने ऐसा एक क्या बोलते हैं उसको एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि इस रास्ते पे अंदर जितने भी अतिक्रमण है वो कॉरपोरेशन ने हटाना चाहिए और रास्ते को क्लियर करना चाहिए, और उसके बाद में अगर ट्रैफिक होती है तो फिर डीपी प्लान को लाना चाहिए, लेकिन पहले रास्ता जो है क्लियर होना चाहिए। हम लोग कोई भी विकास के खिलाफ में नहीं है, लेकिन गर्दन पे चक्कू रख के अगर विकास कोई करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो वो नहीं चलेगी। बराबर है, जान से तुम हमारा जान ले लोगे और बोलोगे कि हम डेवलप कर रहे, तो वो जमेगा नहीं। जैसा डीपी प्लान के अंदर रास्ता बड़ा करने का प्रावधान है, वैसा स्कूल का रिजर्वेशन का प्लान है, वैसा मार्केट का भी रिजर्वेशन का प्लान है। तो जहां पे मार्केट का रिजर्वेशन है वहां से रास्ते पे जितनी भी गाड़ी है वो जगह खाली है तो खाली, या भरी हुई है तो उसको खाली करके ये गाड़ी वहां शिफ्ट किया जाए और जकात नागे से शांति नगर का पूरा की पूरा रोड एकदम क्लियर किया जाए। उसके बाद अगर ट्रैफिक होती है तो फिर डीपी प्लान के लिए हम मंजूर है, नहीं तो हम डीपी प्लान का विरोध कर रहे हैं। ये मेरा प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव अगर आपको मंजूर है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो हम लोग काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, ट्रायल के लिए बहुत ज़्यादा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 10 दिन का ट्रायल में ही सब समझ में आ जाएगा। 10 दिन अगर हॉकरिंग ना हो, रास्ते पे से गाड़ी हटाना, आप देखे होगी कि लॉकडाउन में पुलिस ने बाकायदा सभी हॉकर्स को हटा दिया था, लोगों को सब्जी भाजी गली गली में मिली। तो सिर्फ इसको 10 दिन के लिए अगर हमारे में इस किस्म की कोई कैपेसिटी है, इसको इस्माइल भाई, प्रशांत भाई, विजय कामले साहब, ये लोग समझेंगे कि इस हॉकरिंग को, दुकानों को 10 दिन के लिए गली गली में शिफ्ट करके 10 दिन का ट्रायल म्यूनसिपल्टी को दिखा दिया जाए, 10 दिन में सब क्लियर हो जाएगा साहब। मेरी एक बात की, मुझको ऐसा लगता है और गारंटी है, मुझको ऐसा लग रहा है। ये घर टूट रहा है, घर में मैं रहता हूँ, मेरी बीवी बच्चे रहते हैं, क्या टूटते हुए तू देख सकता है क्या? कौन देख सकता है टूटते हुए, बताओ मेरे को? अगर टूटने वाला मामला जब होगा वो अपनी गाड़ी लेके अपने घर तक पहुँच जाएगा, गाड़ी को धक्का देगा, वो अपने घर तक पहुंच जाएगा, वो अपने घर पहुंच गया, लेकिन जो घर में रह रहे वो घर से बेघर हो जाएंगे, नीचे उतर जाएंगे, उसके बाद क्या होगा? बर्बादी हो जाएगी। अगर जितने लोग गाड़ी लगाते हैं, 100, 150, 200 लोग जो भी गाड़ी लगाते हैं, मैं बोलता हूं कल सिर्फ मेरे को 5 आदमी का ऐसा नाम आप बताओ जिनका घर रोड पर है, जिनका घर टूट रहा है या जिनकी दुकानें टूट रही है, नहीं है ऐसा। मुश्किल से अगर मेरे नज़र में आ रहा है 1 से 2 या 3 लोग आ रहे, बस 5 लोग मिलना मुश्किल हो जाएगा जिसका रोड पे घर है और जिसका रोड पे दुकान है। आज एक घर बनाने के लिए 10 लाख रुपए लगता है, घर को बसाने के लिए परिवार लगता है। आज इतना करने के बाद में लॉकडाउन में लोगों की कमर टूटी, अब ये 2 साल नहीं गुजरा, 2.5 साल नहीं गुजरा, अगर ये डीपी प्लान होता है, डीपी प्लान कब इम्प्लीमेंट होगा ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन इस तरीके सोते हुए रहेंगे तो बहुत जल्दी डीपी प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हम हॉकर जोन मांगेंगे उनके लिए, मांगने का कहाँ है हमको? जिसने कॉरपोरेशन ने डीपी प्लान इंप्लीमेंट किया है वो बताए कि हॉकर जोन का है, पीसी होता है, पीजी होता है, क्या बोलते हैं, कब्रिस्तान होता है, शमशान होता है, गार्डन होता है, हर चीज़ की सुविधा होती है। आप पूरा यहाँ से क्या बोलते हैं 18 मीटर रोड बोले तो 60 फीट के अंदर में आप 80 फीट करने चले जा रहे हो, कैसे हो पाएगा? उसके तो विरोध में हम हैं, विरोध में उतरेंगे, हम लोग लास्ट तक उतरेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि इतनी बर्बादी देख नहीं सकते। अरे आप देखो, कई 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 बिल्डिंग डेमोलिशन हुई है धोखादायक के अंदर में, अपने शहर के अंदर में, अपने मोहल्लों में आप देख रहे होंगे। अरे धोखादायक बिल्डिंग का जो मेंटेनेंस होता है वो मेंटेनेंस लोग नहीं दे पाते, क्यों नहीं दे पाते? उतनी हालत नहीं, उतने कारोबार उतनी उनके पास में नहीं हो पाता, तो लोग मेंटेनेंस का पैसा, मेरी बिल्डिंग के अंदर में लॉकडाउन से पहले काम चालू हुआ है मेंटेनेंस कराने, आज तक का मेंटेनेंस का पैसा मेरी बिल्डिंग के अंदर में ऑडिट कराने के बाद में लोग पैसा नहीं दे पाए। मेरे राइट में, मेरे लेफ्ट में वही हाल है कि लोग पैसा नहीं दे पा रहे। अरे जब मेंटेनेंस का आप 40,000-50,000 नहीं दे पा रहे हो तो कल का अगर खुदा ना खास्ता बिल्डिंग टूटेगी तो आप लोग क्या करोगे बताओ? 10 लाख का घर कहाँ से ले पाओगे? उसके लिए रोड पे आना है, और रोड पे आने का मतलब ये नहीं है कि कानून को अपने हाथ में ले, कानून के तरीके हमको मालूम है, आप लोगों को बताएंगे, हम उसके साथ में रहेंगे, किस तरीके से हमको कॉरपोरेशन में जाना है, किस तरीके से हमको आगे जाना है, इंशाल्लाह करेंगे हम लोग। अब रही बात हाथ गाड़ी की, हाथ गाड़ी के लिए अब जितना भी ट्रैफिक होता है तो अब मुझे बताओ कि किस तरीके से भाई हाथ गाड़ी को हटाना है, आप लोग भी सुझाव दो
हटाना है कि नहीं हटाना है कि इसी तरीके से रहने देना है। अभी दो से तीन लोगों ने यहाँ पर चार लोगों ने जो भी बोले वो सबके सबने ट्रैफिक का बोले हैं, तो भाई हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए, हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए। आज बिल्डिंग टूटी थी मास्टर प्लान में, वो आज तक हमारी कमर सीधी नहीं हुई आज तक। अगर अब टूटी 10 फीट तो हम तो पूरे ही साफ हो जाएंगे रोड पे। अब वो बारी नहीं है कि प्यार से समझाने और हटाने की। जब हमारे हम खुद रोड पे आ जाएंगे तो उन बाजी वालों को करेंगे क्या, आप बताइए हमको। हम तो उनको फूल लेके जा रहे हैं, दो दो चार चार गाड़ी, अगर उनके अंदर इंसानियत है तो दो दो चार चार गाड़ी हर गली में वो एडजस्ट कर ले। जोश में ये बात कह देते हैं, जोश में नहीं, हमारा घर जा रहा है, हम एकदम रोड पे आ जा रहे हैं, हमारी दुकानें जा रही है, जोश की बात है। एक रोड पे ठेला गाड़ी वो कारपोरेशन सोचे, वो हमारा मैटर नहीं हो। कितने लोग आएंगे रोज हटाने के लिए, कितने लोग आएंगे? नहीं, हम प्यार से समझाएंगे, इस बार कानूनी कार्रवाई हम करेंगे। आप कारपोरेशन की बात कर रहे हैं, 22 साल से हम लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं, नहीं हो रहा, एक ही जवाब आ रहा है। कभी हम जाते हैं आपके बोलने में, हमने 6 गाड़ी तोड़ दी, 8 गाड़ी, वो MLA साहब आए हैं, ये दबाओ, फोन रिकॉर्डिंग सुनाते हैं, तो ये होते वो सारे नेता लोग जा रहे हैं। उसके लिए क्या चीज करना है, देखो एक रास्ता होता है, सीधी सी बात है कि ना हम कोई अथॉरिटी है, ना हम अपने हाथ से किसी को हटा सकते हैं, ना हम कानून हाथ में ले सकते हैं, पहली चीज। तो इसका जो रास्ता है, प्रोसेस जो है, ये भाई हमें पहले डेलीगेशन लेके जाना चाहिए कमिश्नर के पास, क्या होता है उसके बाद हमें रोड पे आना चाहिए। देखिए, आज की मीटिंग जो रखी गई थी वो कॉरपोरेशन का DP प्लान जो इम्प्लीमेंट हुआ है उसके ताल्लुक से रखी गई थी, और जो DP प्लान आ रहा है उसको देखते हुए समझ में आ रहा है कि पूरा का पूरा शहर तबाह हो जाएगा। इसके अंदर में मसला सिर्फ जकात नाका से लेकर शांति नगर तक का नहीं है, ये पूरा मसला पूरे शहर का है कि कई जगह पर 60 फुट को लेकर 80 फुट किया गया है। तो हम लोग ने उसके विरोध के अंदर में एक मीटिंग रखे थे और शहर के जकात नाका से शांति नगर के लोगों को आह्वान किए थे कि आप मीटिंग में आएँ, तो लोग मीटिंग में आके अपना राय मशवरा रखे हैं और कुछ बातें हम लोगों ने तय की है कि आगे हम लोगों को किस तरीके से प्रोसीड करना है। देखिए, शांति नगर से जकात नाके का जो रोड है, आप कहीं भी पूछोगे जाके तो कोई भी आपको ये बताएगा कि बहुत बड़ा ट्रैफिक का मसला होता है, यहाँ पर आने जाने के लिए ट्रैफिक बहुत जाम हो जाती है, और उसकी वजह जो है वो आप सभी लोग जानते हो, यहाँ के रहवासी भी जानते हैं कि ट्रैफिक का सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है हाथ गाड़ी। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये तय किया है कि हाथ गाड़ी वालों को बहुत ही प्यार मोहब्बत से हम उनको समझा के और उनके लिए हम लोग कॉरपोरेशन से हॉकर जोन मानेंगे, मांग करेंगे, और उनको हॉकर जोन दिलाने की पूरी हम उनकी सहायता करेंगे। लेकिन जब तक का हॉकर जोन मिलता है या नहीं मिलता है, तो जितने भी हमारे हाथ गाड़ी वाले भाई जो यार रोड पे लगाते हैं, उनसे मैं दिली गुजारिश करूँगा सभी के तरफ से कि आप लोग रोड को खाली करके, आप लोग जो भी रास्ता आपको दिखता है साई नगर के रोड के ऊपर में होता है, या जो गुलजार नगर का नाला, गैबी नगर का नाला, अमजदिया रोड है, तो कहीं ना कहीं आप 5-5, 10-10 गाड़ियाँ आप लोग लगा लो, मेहरबानी करके रोड खाली कर दो। ये सारी चीज़ें जो आपने बताई, ये एक बार या दो बार ऑलरेडी हो चुका है, नगर पालिका 1 से 2 बार कोशिश कर चुकी है, यहाँ पर तोड़फोड़ भी हो चुकी है, मगर उसके बाद भी लोग गाड़ियाँ लगाते हैं और दुकान वाले अपने सामने लगवाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये चीज़ होगी? देखिए, ये एक बार दो बार नहीं, कम से कम मैं बोलता हूँ 20 बार ये मामला हो चुका है, कॉरपोरेशन आ चुकी है हटाने के लिए, लेकिन कॉरपोरेशन जैसी हटा के जाती है वैसी गाड़ी वाले लगा लेते हैं। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा आप लोगों को कि हमारे जो दुकानदार भाई है उन लोगों की भी गलती ये है कि वो लोग कुछ गाड़ियों को लगाने देते हैं और उनसे कुछ भाड़ा लेते हैं। आज ये भाड़ा हम लोगों को मुसीबत जो है ट्रैफिक को देता है, आज ये भाड़ा जो आप लोग ले रहे हो, तो आप देखिए कि आज DP प्लान आ रहा, आपकी खुद की दुकान चले जा रही है। अगर 10-10 फीट आपकी दुकान गई, 3 फीट गटर, 13 फीट आपकी अगर चला गया दुकान, तो आप बताओ कि आपका वहाँ क्या बचेगा। लेकिन गाड़ी वाले का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, अगर कॉरपोरेशन इंप्लीमेंट करती है तो गाड़ी वाला गाड़ी को धक्के देके वो अपने घर पहुँच जाएगा, नुकसान आपकी दुकान का होगा। और आप अगर भाड़ा ले रहे हो तो आप ये सोचिए कि ऊपर जो 4 घर है, 3 माला 4 माले की फ्लैट है, तो आपके ऊपर में 3-4 फ्लैट जो ऊपर रहते हैं उन लोगों का क्या है, वो भी तो बर्बाद हो रहे, भाड़ा सिर्फ आप लेंगे और नुकसान आपको भी और आपके साथ में 4 माले पे जितने लोग रहते उनको भी है। तो उन लोगों से मैं गुजारिश करूँगा, बराए मेहरबानी आज तक आपने जो किए ठीक है किए, अब से आप भाड़ा मत लो और आप अपने आगे गाड़ी वाले को मत लगाने दो। एक गाड़ी वाले या 100 गाड़ी वाले वो लोग कहीं धंधा कर सकते हैं, लेकिन 1000 घर नहीं बन सकता है, लोगों को घर नहीं मिलेगा, और कॉरपोरेशन आपको कोई कंपनसेशन नहीं देने वाली है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी के तरफ से,
हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि रोड को खाली करो और इतना बड़ा नुकसान कोई झेल नहीं सकता है। और हम लोग इस डीपी प्लान के खिलाफ है और इंशाल्लाह यहाँ से लेके जहाँ तक लड़ाई लड़ना है हम लड़ेंगे। और रही बात जो काम किए, तो मेरी 42 साल से लेके 44 साल मेरी उम्र है, मेरे बचपन से पैदाइश से लेके मैंने अभी तक का भिवंडी जो अपने शहर के अंदर में जो जकात नाके से शांति नगर तक का है इस तरीके का काम नहीं देखा। आज दोनों तरफ गटर बनी, 2005 में भी बनी थी, लेकिन गटर दोनों तरफ बनने के बाद में बीच में आरसीसी रोड नहीं था, लेकिन आज हम लोगों को ये सुविधा मिल रही है कि दोनों तरफ गटर बन रही है और बहुत अच्छी क्वालिटी की गटर बन रही है, बहुत अच्छा आरसीसी रोड बन रहा है। पानी के लाइन का पूरा सिस्टम चेंज हो गया कि जो पानी लीकेज होता था वो अब नहीं होगा। तो जब हम लोगों को कई सालों के बाद ये सुविधा मिल रही है कि हमको गटर, रोड, रास्ता, पानी, स्ट्रीट लाइट, डिवाइडर सब कुछ मिल रहा है, तो जो तकलीफ हमने रखा है, हम आवाम ने करके रखी है ट्रैफिक की लेके, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको हम ख़त्म करने की पूरी कोशिश करो। हम हमारी नस्ल को क्या दे के जाएंगे, ये चीज़ दे के जाएंगे। आज इतना अच्छा काम हो रहा है उसकी तारीफ़ करना चाहिए, और मैं कर रहा हूँ तारीफ़ कि आज हमको बहुत अच्छा सुविधा मिलेगी, आज नहीं साल भर के अंदर में हमको मिलेगी। लेकिन जो ये ट्रैफिक होती है, सब होता है, पार्किंग का मसला है, तो इंशाल्लाह ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रैफिक को हम लोग हाथ गाड़ी के लिए कर रहे हैं, आने वाले वक्त में जितनी भी बिल्डिंगें हैं उनकी जो गाड़ी खड़ी होती है बाइक या फोर व्हीलर, उसको भी हम सिस्टम से करने लगाएंगे कि एक सिस्टम से गाड़ी खड़ी हो, इसके खिलाफ कोई गाड़ी ना खड़ा करे। ये देखा जाता है कि पहले दो गाड़ी आती, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 10, कहीं ना कहीं इसमें जो मोहल्ले के एरिया के जो बड़े लोग होते हैं उन्हीं का हाथ होता है, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग भी चाहे वो भाड़ा लेके कर रहे हो, चाहे वो खुद गाड़ी लगवा रहे हो, चाहे वो सपोर्ट कर रहे हो, जिस तरीके से भी कर रहे हो, मेरी उनसे कोई शिकायत, कोई नाराज़गी नहीं। आज इस वक्त मैं सिर्फ उनसे ये अपील कर सकता हूँ, गुजारिश कर सकता हूँ कि बराए मेहरबानी ये काम ना करो, इसलिए ना करो क्योंकि ये चंद लोगों का मामला है, 25, 50, 100, 150 गाड़ियों का मामला है और कई हज़ारों घर का मामला आपको देखना पड़ेगा। कल अगर ये घर बर्बाद हुए तो उसका जिम्मेदार लोग आपको ठहराएंगे।